बहुत वक्त के बाद भारत को एक ऐसा लेफ्ट आर्म गेंदबाज मिला है जिसके कंधे पे हम नए बॉल पे अर्ली विकेट निकालने की जिम्मेदारी डाल सकते हैं। आशदीप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोनों तरफ स्विंग करा रहे हो आशदीप, जब से आपको अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, किस चीज पे आपने सबसे ज्यादा काम किया है? सबसे ज्यादा काम भाजी मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखने में किया और इससे काफी हेल्प मिला मेरे को। आगे भी कोशिश करूंगा वीडियोस देखकर। नहीं, हमारी यही दुआ है कि हमसे ज्यादा आप बेहतर गेंदबाजी करो। आप लंबी रेस के घोड़े नजर आते हो। देखिए बहुत सारी बातें एशिया कप में हुई, यहाँ पे वर्ल्ड कप में आना, उसके बीच में आपने किस चीजों पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग कैरेक्टर नजर आते हो। मेनली यही था भाजी की कंसिस्टेंसी, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि आप इजी बॉल्स नहीं दे सकते, लूज बॉल्स नहीं दे सकते, क्योंकि बैट्समैन बहुत ही हाई कैलिबर के हैं और कन्वर्ट करते हैं लूज बॉल्स को। तो आई गेस मेनली यही कि एक अच्छी बॉल्स डालूं, ज्यादा से ज्यादा 6 में से 5 6 डालने की कोशिश करूं और उसका रिजल्ट मिल रहा है जो मैं कर रहा हूं। आशदीप नई गेंद के साथ या आशदीप पुरानी गेंद के साथ? आई गेस आशदीप पूरा पैकेज ही अच्छा रहेगा गेंदों के साथ, अच्छा अगर डालता रहूं और टीम को जहां पर विकेट लेने की जरूरत है वहां विकेट दूं और जहां रन रोकने होते हैं वहां रन रोकूं। अर्शदीप आपके साथ पारस महामरे बोलिंग कोच है, उनके साथ कोई स्पेसिफिक चीज जैसे रनअप का एंगल हो, चाहे वो रिस्क पोजीशन है, उसके पीछे आप ज्यादा काम कर रहे हैं या जिस मैच के सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं? मेनली जैसे प्रैक्टिस में जब भी टाइम मिलता है, 2-3 दिन की प्रैक्टिस होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे यही कोशिश रहती है, जैसे उन्होंने थोड़ा रनअप पे काम किया, थोड़ा सीधा आऊंगा तो उन्होंने बोला है कंसिस्टेंसी और मिल सकती है मेरे को अपनी लाइन्स के साथ, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स हैं यहाँ पे आप रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सीधा आ सकूँ अगर उससे थोड़ा शेप मिले अगर बैट्समैन को, टाइटी बैट्समैन को अंदर आने के लिए। तो मेनली वही कोशिश है और उसके थोड़े रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं अब, लेकिन वही है कि आगे भी ये कोशिश है कि और बेहतर करता रहूँ। हमें पूरी उम्मीद है आप बेहतर करते रहोगे। जब आप इंडिया से वापस आए, खास करके हमारे इंडियन गेंदबाजों को दिक्कत होती है लेंथ पकड़ने में, आपको कितना वक्त लगा वो लेंथ पकड़ने में, जहाँ पे आप जिस तरह से बाबर आजम को आउट किया LBW, ज्यादा दिक्कत है क्योंकि बल्लेबाज के पास जाना पड़ता है? नहीं, ऐसे दिक्कत नहीं कह सकते। आई गेस कि प्रिपरेशन, जैसे टीम का शुरू से यही मोटो रहा है कि प्रिपेयर अच्छे से करना है, तो जैसे हम पर्थ में पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले आए थे, तो वहाँ पे मेनली यही था कि अपनी लेंथ को कैसे ढूंढ सकते हैं आप, क्योंकि सबकी डिफरेंट लेंथ है, भूमि भाई की अलग होगी, शमी भाई की अलग होगी, तो वही खुद फिगर आउट करना था। और 2 प्रैक्टिस गेम्स खेले वहाँ पे, उससे यही आइडिया मिला कि कहाँ पे डाल के कहाँ तक पहुँचेगी, बाउंसर के लिए कौन सा लेंथ चाहिए। तो आई गेस अच्छी प्रिपरेशन की वजह से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये हमारा जो सरदार है वो बहुत बड़ा है, बहुत असरदार है, ये जिगरा उसका कितना बड़ा है, क्योंकि जब भी आपको देखता हूँ एक बात तो सामने नजर आती है, अपार्ट फ्रॉम योर स्किल जो कमाल की है, ये कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और युवा गेंदबाज में मैंने इतना बड़ा जिगरा देखा है जो आपके पास है। भाजी पंजाब से हैं तो जिगरा नेचुरली थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस यही अपनी गेम को भाजी एंजॉय करने की कोशिश करता हूं और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूं, तो उससे काफी हेल्प हुई। वर्ल्ड कप जिताना है, कोशिश पूरी है। गुड लक भाजी। थैंक यू।